कांवड़ यात्रा में सैकड़ों भक्तों ने लिया प्रतिभाग। चमोली जिले के विकास खंड नारायणगढ़ के जीआईसी मैदान से दो दिवसीय कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हर हर महादेव के जयकारों के साथ शुरू हुआ। इस मौके पर क्षेत्र के 25 से अधिक गांव के पुरुषों और महिलाओं ने कांवड़ यात्रा में शामिल होकर कर्णप्रयाग संगम से जल लेने के लिए गाजेबाजों के साथ रवाना हुए। पिंडर नदी के पवित्र संगम पर कांवड़ में जल भरने से पूर्व आचार्य ब्रह्मानंद सती और भगवती सती द्वारा संगम स्थल पर विधिवत पूजा अर्चना की। वहीं रास्ते में नौली बगोली नलगांव में स्थानीय लोगों द्वारा कांवड़ यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया, जबकि भोपालराम टमटा द्वारा अपने आवास पर कांवड़ यात्रियों को फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण रावत भी कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। देर शाम 30 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करते हुए कांवड़ यात्री रात्रि विश्राम हेतु नारायणगढ़ पहुंचे। वहीं सोमवार सुबह कांवड़ यात्रा पूजा अर्चना के पश्चात सभी गांवों के शिवालयों में जलाभिषेक हेतु प्रस्थान करेगी। मृत्युंजय महादेव कांवड़ यात्रा समिति पिछले 6 वर्षों से कांवड़ यात्रा का संचालन कर रही है। हर वर्ष भारी संख्या में कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। विशेषकर महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ यात्रा में प्रतिभाग किया। इस बार कोठली, कवारती, सैंस, चिरखून, जाकफाटियों, कोथरा, रैंस, चोपता, डुंगरी, जुनेर, ईड़ा, सनकोट, असेर, सिमली, बनेला, कांडा, ग्वाड़, पैठाणी, पालछुनी, टेंटुड़ा, मानुड़ा, मींग, विनायक, कौफ, केवर, नारायण बगल, रेगुना, पंती समेत 25 गांवों के कांवड़ी यात्रा में शामिल हुए। कांवड़ यात्रा समिति संरक्षक राम बहादुर सलामी, अध्यक्ष वीर भरत सिंह, संयोजक दलीप नेगी, कोषाध्यक्ष विक्रम परिहार, अवधेश साह, वृज मोहन सहित दलवीर रावत, दर्शन सिंह ने यात्रा व्यवस्थाओं का संचालन किया।